हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट 2021 का पीवाईक्यू, जो है 20 दिसंबर 2021 का। आज हम लोग इसमें मैथ्स सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ डिवाइजर सम द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वेश्चंट एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 5, वॉट इज द डिविडेंड। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहे द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वेश्चन। जो डिवाइजर है 5 टाइम्स है क्वेश्चन के एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर। 4 गुना है रिमाइंडर का और रिमाइंडर क्या है? 5 दे रखा है। तो यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू रख देंगे 4 × 5, तो हमें मिल जाएगा 20। तो हमें डिवाइजर कितना मिल गया? 20 मिल गया। अब यहाँ पे 20 रख देंगे तो हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा 4। तो देखिए हमसे पूछ रखा था व्हाट इज द डिविडेंड। डिविडेंड क्या होगा? हमें 4 मिल गया और डिवाइजर कितना मिल गया? 20। तो 20 × 4 प्लस रिमाइंडर कितना था? 5। तो ये हो गया 80 + 5। तो हमें जो डिविडेंड मिल गया वो हमें मिल गया 85। Got it? इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर जो है, भाज्य पूछा था, भाज्य इसका आंसर हो जाएगा 85। ओके, got it? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेकेंड नंबर इज 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 49। वॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर इन दिस नंबर्स। 5 क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या होती है? या कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो लगातार आती हैं, उसमें से दूसरी संख्या क्या है? 49 है। तो इसमें सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए 5 संख्या होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड संख्या 49 है तो उससे पहले 48 होगा, यहाँ पे 50, 51 और 52। तो हमसे पूछ रखा है सम संख्याओं का गुणनफल। तो सम संख्या कौन सी होंगी? 48, 50 और 52। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 124800। ओके, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टील वायर फॉर्म अ स्क्वायर हुज एरिया इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। एक स्टील की तार है, एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 121। तो देखिए एक वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब एरिया 121 है। तो क्षेत्रफल का, जो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 121, दैट इज 11। तो उसकी भुजा कितनी हो गई? वर्ग की भुजा हो गई 11। तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा? वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर, 4 × साइड या 4 × भुजा। तो 4 × 11, दैट इज 44 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। अब उसी तार को मोड़ के क्या बना दिया गया? एक आयत बना दिया गया। तो आयत का परिमाप भी तो इसी तार के लंबाई के बराबर होगा। तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2L + b। तो ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें? 8 सेंटीमीटर, 2L + 8, 44।
हमें एल निकालना है, एल प्लस बी करेंगे तो 44 अपॉन 2 दैट इज 22 आ जाएगा, और एल प्लस 8 जो है 22, तो एल निकालने के लिए 22 में से 8 माइनस कर देंगे तो 22 में से 8 जाएगा, 14 बच जाएगा। तो हमारा जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आयत की लंबाई कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आयत का क्या वो लंबाई 14 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर, तो हमें कुछ भिन्न दे रखे हैं, इनमें से हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटी भिन्न को पहचानना है, क्रमशः करना है। तो देखिए, पहला है 1/2, वन इसको क्रमागत करने के लिए क्या कीजिए, इसको डेसिमल में, दशमलव में छोड़ लीजिए, तो 1/2 को करेंगे डेसिमल में तो 0.5 आएगा। फिर है 1/3, 1/3 को करेंगे तो 0.33 आएगा। 4/5 को करेंगे तो 0.80 आएगा। 5/6 को करेंगे तो 0.83 आएगा, और 3/4 को करेंगे तो 0.75 आएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या हुआ, 0.83, और सबसे छोटा क्या हुआ, 0.33। यहाँ तो सबसे छोटा ये होना चाहिए 0.33, लेकिन हमारे पास इसका ऑप्शन नहीं है, नहीं, 5/6 एंड 1/3, हाँ, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है, 5/6 एंड 1/3। ओके, इस तरीके से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 5/6 एंड 1/3। गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हाउ मैनी वेज 36 स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुछ कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो देखिए, एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे डब्बे हैं 1/1 सेंटीमीटर के, और 36 वो हैं, तो उनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं कि हमें 36 क्षेत्रफल मिले। तो देखिए, 36 या तो लाइन से लगा दीजिए पूरा, एक तो हमें मिल जाएगा 36, 36 लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, तो मिल जाएगा। और 36 के क्या क्या मिल सकते हैं हमें, 2 × 18 कर दीजिए, 2 चौड़ाई हो जाएगी, 18 लंबाई हो जाएगी। 3 × 12 कर सकते हैं, 3 चौड़ाई 12 लंबाई। 4 × 9 कर सकते हैं, 4 चौड़ाई 9 लंबाई। और 6 × 6 कर सकते हैं, 6 × 6 का, तो हमें 36 सेंटीमीटर। तो देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, और हमारे पास एक ये भी है। तो 5 कुल ऐसे तरीके हैं जिनको हम 1/1 सेंटीमीटर को, ब्लॉक को ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि हमें 36 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल मिल जाएगा। गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ क्लास देयर आर 60 स्टूडेंट्स सच दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। 60 बच्चे हैं एक क्लास में जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगना है, तो और एंड रोहित रैंक्ड 17 फ्रॉम द टॉप, रोहित जो है आगे से 17वें स्थान पे। इफ देयर आर 9 गर्ल्स बिफोर रोहित, रोहित के आगे 9 गर्ल्स हैं, तो उसके पीछे जो है हाउ मैनी बॉयज आर रैंक्ड आफ्टर हिम, कितने लड़के रोहित के पीछे हैं। तो देखिए, लड़की और लड़कों का अनुपात कितना है,
दो रेशियो एक, तो हम इसको 2x प्लस एक्स कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 60, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60/3, दैट इज 20। तो गर्ल्स हमारे पास थी 2x, दैट इज 2 × 20 40, और बॉयज़ की थी x, तो हो गया बॉयज़ हमारे पास 20 हैं, गर्ल्स कितनी हैं 40 हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि 40 लड़कियां और 20 लड़के हैं। अब रोहित जो है 17वें स्थान पे है और उसके आगे 9 लड़कियां हैं, तो 9 लड़कियां हैं और वो 17वें स्थान पे है, तो 9 प्लस 8 17 होता है। अब 17वें पे तो खुद है, तो 9 लड़कियां उसमें से निकल गई, तो 17 में से और 8 लड़के होंगे, 8 में से वो एक खुद है, तो उसके आगे मतलब 7 लड़के होंगे, उसके आगे 7 लड़के होंगे। कुल मिला के ये 8 लड़के तो हैं 17वें स्थान पे, उसको मिला के। अब पूछा है रोहित के पीछे कितने, तो हमारे पास 20 ही लड़के थे और 20 में से ये 8 लड़के 17वें स्थान तक खड़े हैं, तो रोहित के पीछे कितने लड़के खड़े होंगे, 20 लड़के खड़े होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइमा रीचेस बस स्टैंड एट 9:35 AM, इज टोल्ड बाय जीनत दैट द प्रीवियस बस हैज लेफ्ट एट 9:25 AM। साइमा 9:35 पे बस स्टैंड पे पहुंचती है, जीनत उसको बताती है कि आखिरी बस जो है 9:25 पे निकल गई, सुबह 9:25 पे, एट हर वॉच। इफ़ जीनत वॉच इज 5 मिनट फास्ट, अगर जीनत की वॉच 5 मिनट फास्ट है, एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ बस इज इन एवरी 20 मिनट, और बस जो है हर 20 मिनट में आती है, तो फॉर हाउ लॉन्ग साइमा हैज टू विजिट टू कैच द नेक्स्ट बस। साइमा को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा दूसरी बस पकड़ने के लिए। देखिए 9:35 पे साइमा पहुंची है और जीनत ने बताया कि आखिरी बस 9:25 पे निकल चुकी है, और जीनत की घड़ी 5 मिनट फास्ट है, तो मतलब 9:25 पे निकल चुकी है और उसकी घड़ी 5 मिनट फास्ट है, तो वो मतलब बस निकली होगी 9:20 पे, और साइमा जो है अपने हिसाब से 9:35 पे पहुंची है, और हर बस 20 मिनट में निकलती है, तो अगर एक पहली बस 9:20 पे निकली है आखिरी बस, तो अगली बस 9:40 पे आएगी, तो उसको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा 5 मिनट, उसको साइमा को सिर्फ 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 10,001 20,022 30,333 टू गेट 17,069। तो क्या करेंगे हम, पहले तो इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 3033 20022 और 10001, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये 0 और ये 60,356। अब हमें क्या पाना है आंसर, 17,069, तो 17,000 को 69 को इसमें से माइनस कर देंगे, 6 जाएगा नहीं, 16 में से 9 माइनस कीजिए 7, ये 14 में से 6 क्या 8, ये 3 इसको कैरी दे चुका होगा, तो यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 बचेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 43,287। गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेट्स ऑफ वेरियस वेजिटेबल इन अ स्कूल कैंटीन आर गिवन बिलो,
कुछ ये रेट्स दे रखे हैं, वन ईटेबल्स, वन समोसा, ग्राउंड नट, गुलाब जामुन, ढोकला और नींबू पानी, सुनैना बाय वन समोसा। तो देखिए बिल बनाते चलिए इसका। वन समोसा 5 रुपए का होगा। टू पैकेट्स ऑफ ग्राउंड नट, ग्राउंड नट एक पैकेट 6 रुपए 50 पैसे का है, तो दो पैकेट कितने के हो जाएंगे, 13 रुपए के। वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन तो 7 रुपए का है। एंड वन बोतल ऑफ नींबू पानी, और एक नींबू पानी 11 रुपए 50 पैसे की। इफ़ सी गेव रुपीस 100 नोट टू द कैंटीन ओनर, हाउ मच वुड सी गेट बैक। तो इसको ऐड कर लीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 50, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16 का 1 36। अब 100 में से 36.50 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 50, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 3 गया 6, तो हमें मिल जाएगा उसको वापस कितने करने पड़ेंगे, 63.50। इस तरह के क्वेश्चन ये हर साल ऐसे रिपीट होते रहते हैं, इन पैटर्न्स पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है क्वेश्चनों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु एट 23:55 ऑन 29 जून एट 2020 एंड रीचेस गुवाहाटी ऑन 2 जुलाई 2020 एट 5:20। वॉट इज़ द टोटल ट्रेवल टाइम फ्रॉम बेंगलुरु टू गुवाहाटी। देखिए ये टाइम और कैलेंडर दोनों का मिला जुला के क्वेश्चन है। अब जो है ट्रेन 29 जून को चली है, 29 जून को चली है, फिर 30 जून को भी चली होगी, फिर अब जून 31 का होता है कि 30 का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जून सिर्फ 30 का होता है, फिर 1 जुलाई को चलेगी। फिर 1 जुलाई को चलेगी और फिर 2 जुलाई को पहुंचेगी। तो देखिए 23:55 पे चली है, तो मतलब रात को 11:55 पे, तो 29 तारीख को सिर्फ वो 5 मिनट ट्रेवल की है। फिर 30 तारीख को 24 घंटे पूरा ट्रेवल करी होगी, 24 आर 1 को भी पूरा 24 आर, और 2 को सुबह को कब पहुंची है, 5:20 पे। तो पूरा टोटल करेंगे 24 प्लस 24 48 आर, फिर 5 आर 20 मिनट और ये 5 मिनट, तो ये हो जाएगा 25, और 48 में 5 जोड़ेंगे तो 53। तो ट्रेन का टोटल ट्रेवल टाइम कितना हो गया, 53:25। ओके तिरपन घंटे 25 मिनट उसका कुल समय हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन। देखिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999। अब उसको किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 डिजिट नंबर से, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, स्मार्टली वर्क कीजिए। द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, पहले 10 होता है, तो 10 तो इवन नंबर होता है, 2 डिजिट ऑड नंबर है, तो 10 के बाद हो जाएगा 11, तो अभी 11 से इसको कट कर दीजिए 9। अब 9 9 जा 81 आएगा, फिर 9 9 जा 81, 81 में 9 जोड़ेंगे तो 9, फिर
एट कैरी 99 या 81, 8991। देखिए यहाँ से 99 या 81 लास्ट यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1, तो हम यहाँ बिना मल्टीप्लाई किए भी पा सकते थे 8991, क्योंकि बाकी किसी में भी 1 नहीं आ रहा है यूनिट डिजिट। ओके, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 50। देखिए हाफ ऑफ 50 क्या होगा, 25। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा पढ़िए और फिर उसको सॉल्व करते चलिए तो आसानी से हो जाएगा। एक साथ पढ़ेंगे फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। अब 50 से अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 50, 50 का हाफ तो 25 है, अब उससे भी बड़ा कोई नंबर है x। इट इज़ मोर देन 3 टेंस, 3 टेंस का मतलब क्या है, 30, मतलब 30 से बड़ा है। एंड लेस देन 4 टेंस, 4 टेंस मतलब 40 से लेस है, कोई नंबर है 30 और 40 के बीच में। द वंस डिजिट इज 2 टाइम्स द टेंस डिजिट, जो वंस डिजिट पे जो नंबर है वो टेंस डिजिट की संख्या का 2 टाइम्स है, इकाई अंक वाला संख्या जो है दहाई अंक वाले से दुगना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से जो है आंसर से सॉल्व कर सकते हैं जो मल्टीपल चॉइस दे रखे हैं हमें। देखिए यहाँ 28 है, यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, और टेंस डिजिट का क्या ये 2 टाइम्स है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए ये हो सकता है, 6 जो है टेंस डिजिट का 2 टाइम्स है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 36। और ये सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 25 से बड़ा है, 30 और 40 के बीच में आ रहा है, और वंस डिजिट का जो नंबर है वो टेंस डिजिट के 2 टाइम्स है। गॉट इट। इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डायमेंशन ऑफ ए गोडाउन आर 5 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर। वॉट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्सल ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर कैन बी एकोमोडेट इन द गोडाउन। एक गोदाम की बीमाएँ 5 मीटर × 7 मीटर × 4 मीटर दे रखी है, तो इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की बीमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। तो देखिए गोदाम का वॉल्यूम और एक डब्बे का वॉल्यूम जो है डिवाइड कर देंगे उसको, तो 5 मीटर × 7 मीटर × 4 मीटर, ये तो गोदाम का वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखिए ये 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। फिर 50 को लिख सकते हैं 1/2 मीटर, और 25 को फिर से 1/4 मीटर लिख सकते हैं, तब ये कितना हो जाएगा, ये सारी वैल्यू जो है 4 to 4 ये ऊपर चली जाएंगी, दैट इज 5 × 7 × 4 × 4 × 2 × 4। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, 5 × 2 = 10 कर लीजिए, और ये कितना हो जाएगा, 64, 4 × 4 = 64 × 7, 10 × 640 × 7, 7 × 0 = 0, 7 × 4 = 28 का 2, 7 × 6 = 42, 42 में 2 जोड़ेंगे, 4 × 4 = 80, 4482, ये मैक्सिमम पार्सल हम इस गोदाम में रख सकते हैं। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑटो रिक्शा मीटर सो चार्जेस ऑफ ₹25 फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी। एक ऑटो रिक्शा है जो पहले 2 किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है, ₹2500 लेता है, एंड ₹8 फॉर मैं
एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर ट्रेवल्ड, और हर 2 किलोमीटर के बाद के लिए जो भी चलेगा उसके लिए पर किलोमीटर कितना लेता है, 8 रुपये। मानस पे ₹249 एज फेयर टू ट्रेवल फ्रॉम हिज हाउस टू हिज वर्क प्लेस, हाफ फॉर हिज वर्क प्लेस फ्रॉम हिज हाउस। मानस ने ₹249 दिए हैं तो वो उसका घर से डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए ₹249 दिए हैं मानस ने, अब ₹25 तो वो हर 2 किलोमीटर के पहले 2 किलोमीटर के लिए ले ही लेता है, तो वो तो फिक्स है। तो 25 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तो चला ही होगा, इसको माइनस कर दीजिए। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, और ये 224। 224 रुपए 25 किलोमीटर का हमने निकाल दिया 2 किलोमीटर, ओके। अब ये जो है 224 रुपए उसने 8 रुपए के हिसाब से दिए होंगे, तो 224 को क्या करेंगे हम, 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 2 जा 16, बचा 6 और 4, 8 8 जा 64। तो देखिए 224 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिए 28 किलोमीटर के लिए, और 25 रुपए उसने पहले दिए थे 2 किलोमीटर के लिए। तो उसका जो वर्क प्लेस है उसके घर से कितने किलोमीटर दूर हो गया, 30 किलोमीटर, ओके। तीस किलोमीटर उसके घर से दूरी हो गई, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग टेबल सो मार्क ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय सुनीता एंड जेसिका इन 5 सब्जेक्ट। देखिए सुनीता और जेसिका के 5 सब्जेक्ट के नंबर दे रखे हैं। अब बेस्ड ऑन द टेबल अबव आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो देखिए इसमें कुछ एवरेज पूछा होगा, पहले हम इसको टोटल कर लेते हैं। 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 9 25 का 2, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28 प्लस 2 30, 36, 365 इसके मार्क्स आ रहे। इसको जोड़ लेते हैं, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 9, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 9 कितना हो गया, 22, 2 और 2, 6 प्लस 7 13, 13 ये 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और 13 और 10, 23, 23 और 7 30, ये 37। अब सुनीता है जिसको मोर मार्क इन देन जेसिका इन ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट द लैंग्वेज। पहला क्या कह रहे हैं, सुनीता है जिसको मोर मार्क्स, सुनीता ये है उसने मोर मार्क्स, मैथ्स में 68 है 74 सिर्फ हिंदी, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। सुनीता एग्रीगेट मार्क इन मैथ एंड साइंस आर मोर देन जेसिका एग्रीगेट मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट। सुनीता के 68 और साइंस में 78 प्लस 8 16 का 1, 7 प्लस 1 46 मार्क्स इसके हैं, और इसके कितने हैं, 4 प्लस 4 8, 7 प्लस 8, ये भी स्टेटमेंट गलत है, दोनों के इक्वल मार्क्स नहीं। जेसिका हैज स्कोर्ड मोर देन सुनीता इन 3 सब्जेक्ट, जेसिका ने सुनीता से 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा किए हैं। तो देखते हैं, जेसिका ने सुनीता से इसमें तो किया है, इसमें नहीं किया है, इसमें भी नहीं किया है, इसमें किया है, इसमें नहीं किया है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में आ रहा है, ये भी स्टेटमेंट है। द एग्रीगेट मार्क ऑफ सुनीता एंड जेसिका वुड हैव बीन इक्वल इफ जेसिका हैज स्कोर 17 मोर मार्क्स, जेसिका अगर 17 मार्क्स और ले आती तो एग्रीगेट मार्क ऑफ सुनीता एंड जेसिका वुड हैव बीन इक्वल। तो
17 मार्क्स और ले आती। हम लोग ने गलत जोड़ा है क्या? 7 + 7 14, 14 + 6 20 + 8 28, 28 + 6 28 + 6 34, 35, 36 जोड़ा तो हम लोग ने सही है। इसका आंसर जो है इसका आंसर सीटेट ने फोर्थ माना हुआ है, तो यही आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस इन टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स? ऑप्शन, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? कौन सा लक्षण नहीं है? कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन करना। देखिए क्या सही नहीं है। स्टार्टिंग द क्लास बाय असेसिंग लर्निंग इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, ये बात तो सही है। कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना बहुत जरूरी है। एनकरेजिंग इंट्यूसिटिव सॉल्यूशन, अंतर्दर्शी हलों का प्रोत्साहित करना, कई तरह से किस तरह से हल कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे तरीकों को उनको प्रोत्साहित करना, अलग अलग तरह से बताएंगे बच्चे तो उनको प्रोत्साहित करना है। प्रेजेंटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बच्चों को हमें अवसर देना है, सीखने का मौका देना है, तो ये भी बात सही है। एनकरेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, सिर्फ एक ही तरीके से या एक ही फॉर्मूले से सभी क्वेश्चनों को हल करना, ये बात सही नहीं है। ये बात कंस्ट्रक्टिव मैनर से सही नहीं है, उसमें बच्चा कुछ सीखेगा नहीं, सिर्फ रटेगा। गॉट इट? तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड बाय द टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 8। ड्रॉ अ ट्राइंगल विथ पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर। वाट आर फैक्टर ऑफ 25? डिफाइन पेरीमीटर। तो देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा गया टीचर के द्वारा। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 8। ऐसी दो संख्या बताइए जिनका सम क्या हो, योग क्या हो, 8 हो। ड्रॉ ट्राइंगल, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर हो। 25 के गुणनखंड क्या हैं, परिमाप की परिभाषा बताइए। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? ए एंड बी आर ओपन एंडेड एंड सी एंड डी आर क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड प्रश्न कौन से होते हैं जिसके आंसर कोई फिक्स ना हो, बहुत सारी संभावनाएं हो आंसर देने की, और क्लोज्ड एंडेड प्रश्न जिसके आंसर बहुत लिमिटेड हों और फिक्स हों, उन्हें हम क्लोज्ड एंडेड कहते हैं। तो देखिए ए एंड बी, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 8, ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिसका योग क्या हो, 8 हो। तो ये तो ओपन एंडेड है क्योंकि बहुत सारी ऐसी संख्या हो सकती हैं, सिर्फ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ इंटीजर्स हो सकते हैं जिसके सम क्या हो, 8 हो। और बी क्या है? ड्रॉ अ ट्राइंगल विथ पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर। सिर्फ 50 सेंटीमीटर का पेरीमीटर दिया है हमें, साइड्स बहुत सारी हो सकती हैं, तीन साइड हैं तो उनकी लेंथ अलग अलग हो सकती हैं। तो ए एंड बी तो ओपन एंडेड है। सी एंड डी, फैक्टर्स ऑफ 25, 25 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 5 एंड 25, बस 3। तो इसका तो फिक्स आंसर है, और डिफाइन पेरीमीटर, पेरीमीटर की परिभाषा भी फिक्स है, तो ये दोनों क्लोज एंडेड है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके ए और बी जो है मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, सी और डी जो है बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा गणित के सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? बच्चा एक मतलब सृजन कर रहा है, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग है, तो इसका क्या लक्षण होंगे, उससे कैसे पता चलेगा? स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान करना, एक हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं सिर्फ उसी तरीके से सॉल्व करना, बच्चा सॉल्व कर रहा है तभी हम उसको मार्क्स देंगे, या हमारे तरीके से नहीं कर रहा है तो उसको नहीं प्रोत्साहित करेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा है प्रॉब्लम पोसिंग, बच्चा अगर कुछ सीख रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ नया क्रिएट कर रहा है तो प्रॉब्लम प्रस्तुत कर रहा है, आप टीचर के सामने प्रश्न रख रहा है बहुत सारे अपने कन्फ्यूजन को रखने के लिए, मतलब वो कुछ अलग तरीके से सोच रहा है, तो ये बात तो सही है। एरर फ्री कैलकुलेशन, अशुद्धि मुक्त परिकलन, एकदम एरर फ्री करना, तो ये तो कैलकुलेटर हो गया। रिकॉल ऑफ करेक्ट फॉर्मूला, सही सूत्रों को स्मरण करना, ये भी क्रिएटिव थिंकिंग के तो लक्षण नहीं है। तो जो लक्षण क्या है, टीचर के सामने प्रश्न रखना, मन में बहुत सारे फैक्ट्स बनेंगे, कन्फ्यूजन बनेंगे, तो उनको दूर करने के लिए वो कुछ अलग तरीके से सोचेगा, दूसरों से पूछेगा, तो यही क्या है, लक्षण है क्रिएटिव थिंकिंग के। गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट वॉट लेवल ऑफ वैन हीले स्पाशियल ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग अ चाइल्ड इज लाइकली टू एक्सेप्ट दैट ए स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल? वैन हीले के त्रिविम ज्यामिति समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है? देखिए, वैन हीले ने कुछ लेवल स्टैंडर्ड किए थे, उसमें ये बच्चा किस पे, कि स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल है, तो हमारा ऑप्शन है लेवल टू पे है, एक रिलेशनशिप संबंध स्थापित कर रहा है, वो लेवल टू पे है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं का योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है? तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि हम किसी नंबर में ऐड करें तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाए, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, जीरो हम किसी में ऐड करेंगे, किसी दूसरे नंबर में ऐड करेंगे तो हमें वही फिर से नंबर मिलेगा। ओके, इसका आंसर फर्स्ट हो गया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड बाय प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट बाय ऑब्जर्विंग एंड आइडेंटिफाई रिलेशन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन उचित है? अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। बात तो सही है, किया जा सकता है। लर्निंग मैथमेटिक्स इज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग एंड नेगोशिएशन। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे संवाद और वार्ता सम्मिलित होती है। ये भी बात सही है। आर्गुमेंटेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित में अधिगम में तर्क वितर्क को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैथमेटिक्स में तो तर्क वितर्क की बहुत भूमिका, ये भी बात सही है। कल्चर हैज़ नो रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग इन क्लासरूम। कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं होती है, ये बात गलत है। संस्कृति कल्चर का हमारे बहुत बड़ा रोल होता है। प्राइमरी जो स्कूल
होता है जो प्राइमरी टीचिंग होती है, पहले हमें अपने फैमिली, अपने नेबर, अपने दोस्त, अपने कल्चर से ही मिलती है। तो कल्चर का तो बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे कौन से हमसे पूछा था, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ए बी सी तीन स्टेटमेंट जो है करेक्ट है यहाँ पे। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग ज्योमेट्री करिकुलम एट प्राइमरी लेवल। ज्योमेट्री नीड टू बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ 2D शेप लाइक सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एक्सेट्रा। प्रिपेयर डेफिनेशन शुड बी इंट्रोड्यूस। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस शुड बी डेवलप्ड। देखिए हमसे पूछा है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ज्यामिति के दो आयाम आकृतियों जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि के पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। नहीं, हमें सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें उन्हें एरिया, पेरीमीटर ये नहीं सब पढ़ाना है। हमें दिखा तो सकते ही हैं हम उन्हें बहुत सारे तरह के शेप्स, तो हमें सीमित नहीं रखना है। उपयुक्त परिभाषाओं को, परिभाषा नहीं याद करानी है हमें। दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए, ये बात सही है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कौन सा उचित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल सी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ओनली सी हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग मैथमेटिकल स्किल एंड कंपेटेंसीज यूज्ड बाय स्ट्रीट वेंडर एंड शॉपकीपर। सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दे आर नॉट यूजफुल टू सॉल्व मैथमेटिक इन प्रॉब्लम इन क्लास। वो मैथ जो सब्जी विक्रेता इन ये लोग बहुत तेज कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा भले पढ़े लिखे ना हो, लेकिन इनका असर जो है, इनके कैलकुलेशन अगर गड़बड़ होगी तो इनके बिजनेस पे असर पड़ेगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो इसलिए ये बहुत सटीक और बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि कभी मान लीजिए बहुत भीड़ है तो अगर लेके बैठ जाएंगे पेन किताब तो नहीं बिजनेस कर पाएंगे, तो ये ओरली कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या उनके जो मेथड्स होते हैं, दे आर नॉट यूजफुल टू सॉल्व मैथमेटिक प्रॉब्लम इन क्लास, ये बात तो गलत है, यूज कर सकते हैं। दे आर एम्बिजियस एंड इलॉजिकल, यह अस्पष्ट और असंगत होते हैं, ये भी बात गलत है। दे हेल्प इन डेवलपिंग अल्टरनेट स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, ये बात सही है। वो कोई फॉर्मूला, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, वो वैकल्पिक अल्टरनेट तरीके यूज करते हैं। तो यहां पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ओनली सी। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप स्पाशियल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन, दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है। इसमें हमें पूछा है स्पाशियल रीजनिंग मतलब 3D ज्योमेट्री के बारे में, कि सबसे कम किसमें डेवलप होगी, कौन सी एक्टिविटी से सबसे कम समझ होगी। ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट डाटा, पिक्टोग्राफ से तो डाटा है नहीं, इसे 3D, इसे कहाँ डेवलप होगी, ये तो सबसे कम हो सकती है। वर्किंग ऑन ए 10 ग्राम पजल्स, जो है ऐसे गत्ते होते हैं जो 3D वो रिप्रेजेंट करते हैं शेप्स को, तो
ये इससे तो हो सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द सेट ऑफ डिफरेंट सॉलिड शेप्स, डिफरेंट सॉलिड शेप से ज्योमेट्री समझ में आएगी। आइडेंटिफाई द एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ गिवन शेप्स, एक्सेस ऑफ सिमेट्री समझना शेप्स की, कि वो कैसी सिमेट्री क्या होती है, ऐसी लाइन जिससे जो शेप हो वो दो बराबर हिस्सों में इक्वली बटे जाए, या दो से ज़्यादा इक्वली जो भी बटे बराबर हिस्सों में बटे। तो ये भी इससे भी समझ में आएगा। सबसे कम पूछा था हमसे तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेखा खींचना, ये तो सिर्फ एक टू डायमेंशनल, ये ग्राफ पे हम करेंगे तो इसे हम सिर्फ टू डायमेंशनल सीख सकेंगे, थ्री डायमेंशनल नहीं सीखेंगे। लिखा है ना त्रिविम, मतलब थ्री डायमेंशनल। ओके गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट सूटेड टू इंट्रोड्यूस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 एंड 5। तीन और पांच के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है? सबसे अधिक उत्तम कौन सी एक्टिविटी होगी? बिल्डिंग अ रेक्टिकुलर एरे ऑफ 3 एंड 5 यूजिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तु से 3 और 5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना, इससे बात सही है। रिसाइटिंग द टेबल ऑफ 3 एंड 5 टू फाइंड द आंसर, रटना नहीं है हमें, या बच्चे को हमें रटने की प्रैक्टिस नहीं कराना है। फाइंडिंग आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ये भी ये तो बहुत गलत बात है। प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस इन स्किप काउंटिंग, संप्लाव गणना, स्किप काउंटिंग का अभ्यास कराना, जैसे हम एक एक नंबर को दो दो नंबर को छोड़ के जो काउंटिंग करते हैं उसे हम कहते हैं स्किप काउंटिंग। तो हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी बेस्ट मेथड, तो सबसे बेस्ट जो है ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट है, बिल्डिंग रेक्टेंगुलर एरे। ओके, कुछ वस्तुओं से 3 गुणा 5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सेप्टेबल विथ रिगार्ड टू टीचिंग स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आजकल बढ़ रहे हैं जिसमें नॉट करके पूछा जाता है, तो हमें ध्यान देने की जरूरत है नॉट पे। विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? कौन सा संतोषजनक नहीं है? द प्रॉब्लम चूजन शुड बी रियलिस्टिक, अगर प्रॉब्लम वास्तविक होनी चाहिए, ये तो सही है, अगर हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हो तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल एग्जाम्पल विथ स्मॉलर नंबर शुड बी टेकन अप फर्स्ट, पहले आसान वाले एग्जाम्पल लेने चाहिए छोटे नंबरों के साथ, ये भी बात सही है। कंक्रीट मटेरियल मे बी यूज टू सपोर्ट स्टूडेंट, कंक्रीट मटेरियल TLM का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम, ये भी बात सही है। ओनली वन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम शुड बी एम्फेसाइज्ड, ओनली वन में सिर्फ एक तरीका इस्तेमाल करना, ये बात गलत है। सिर्फ एक तरीका, बच्चा स्कूल में आता है कुछ क्रिएटिव करने के लिए, सिर्फ हमें एक तरीका नहीं सिखाना है। तो हमसे पूछा था तो नॉट पूछा था, तो हमारा ऑप्शन इसलिए फोर्थ ही सही हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है पूछा था हमसे, इसलिए हमारा ऑप्शन फोर हो जाएगा। गॉट इट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 4 इज यूज्ड एज कार्डिनल सेंस, निम्नलिखित कथनों में से किस संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या कार्डिनल भाव में किया गया, गणना के लिए किया गया। माई ऑफिस इज ऑन द फोर्थ फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, इसमें तो पोजीशन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है ना, फोर्थ फ्लोर पे। माई सन रैंक्ड फोर्थ इन द कॉम्पिटिशन, इसमें भी पोजीशन बता रहा है। द फोर्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी, इसमें भी पोजीशन बता रहा है। फोर टीम पार्टिसिपेटेड इन द शो, 4 टीमों ने खेला, तो यहाँ पे गणना के लिए बता रहा है, 1 2 3 4 टीमों ने खेला, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में यूज किया गया है 4 ऐसे कार्डिनल नंबर। ओके
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई अनदर ऑलवेज इंक्रीज इट्स वैल्यू, किसी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना हमेशा उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, क्या ये बात सही है? तो देखिए, अगर होल नंबर हो, 2 × 2 हो, तब तो ठीक है बढ़ जाएगा, लेकिन 2 × 1/2 हो तब तो घट जाएगा। तो ये बात हमेशा तो सही नहीं है, और यहाँ पे कुछ ऐसा फिक्स भी नहीं बोला है, होल नंबर के लिए भी नहीं बोला है, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय नंबर अनदर ऑलवेज इंक्रीज द वैल्यू, तो ये बात हमेशा तो सही नहीं है। या फिर इंटीजर्स ले लीजिए, 2 × -1 कर दीजिए तो -2 हो जाएगा, तो वैल्यू तो कम हो जाएगी, तो ये बात हमेशा सही नहीं। डिवाइडिंग अ नंबर बाय अनदर नंबर ऑलवेज डिक्रीज द नंबर, डिवाइड कर किसी नंबर को डिवाइड करना, तो जैसे 2 है, 2/2 को करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए 2 को 1/2 से करें तब तो ये 4 हो जाएगा, इंक्रीज भी कर सकता है, तो ये भी बात हमेशा सही नहीं है। अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑलवेज हैज अ जीरो इन एट द यूनिट प्लेस, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑलवेज हैज अ जीरो एट द यूनिट प्लेस, एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य रहेगा। बात तो सही है कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो तो आता ही है। मल्टीप्लीकेशन इज द इनवर्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन क्या है, इनवर्स है डिवीजन का। मल्टीप्लीकेशन क्या है, इनवर्स है डिवीजन का, गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। बात तो सही है, तो इसका ऑप्शन तो सी एंड डी होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर सी टेट ने डी माना हुआ है, सिर्फ ओनली डी, सी को नहीं माना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी इज नॉट ए मैथमेटिकल स्किल, परिणामों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी इज नॉट अ, क्यों नहीं है, ये तो गणना का एक स्किल है। मैथमेटिक कैन बी इक्वेटेड विथ अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, गणित को मानक सूत्रों की सूची में समतुल्य माना जा सकता है, सिर्फ कुछ फॉर्मूलों से नहीं कर सकते। मैथमेटिक इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न, हाँ मैथमेटिक्स में तो होता है गणित के नमूनों को पहचान शामिल करना। मैथमेटिक कैन बी इक्वेटेड विथ अ सेट ऑफ मैकेनिकल प्रोसीजर, गणित के यांत्रिक कार्य प्रणाली के समूह को समतुल्य माना जा सकता है। नहीं, हमारा ऑप्शन क्या होगा, थर्ड सही हो जाएगा, गणित के नमूनों को पहचान शामिल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, सबसे मोस्ट सुटेबल पूछा है, इसमें हमें सभी सुटेबल लग सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे सुटेबल पूछ रखा है। इंगेजिंग स्टूडेंट इन पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी, पेपर को फोल्ड करो। सिमेट्री क्या होती है, वो लाइन जिससे जो है जो शेप जो फिगर है वो इक्वल पार्ट्स में वहाँ से डिवाइड कर सकें, तो पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी इससे तो हो सकता है। गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन करने से कुछ नहीं होगा जब तक बच्चा खुद करके नहीं सीखेगा। इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन डिस्कशन, ये कोई डिबेट का टॉपिक नहीं है सिमेट्री।
एनकरेजिंग स्टूडेंट टू ऑब्जर्व स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स, सिर्फ बच्चों को ये कह देना कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स को देखें, तो ये भी सही नहीं है। सबसे बेस्ट क्या है, पेपर को फोल्ड करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, तो फिर जब उसको फिर ओपन करके देखेंगे तब उन्हें पॉसिबल सिमेट्री मिल जाएगी उन्हें। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। गॉट इट। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग को सेशन कैसा लगा, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं। जो लोग नए हैं वो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।